दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ जिक्स। जो भी आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के जिक्स दिए गए हैं, उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज समझने वाले हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो जो मैं समझाऊंगा बस आपको उसको ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जिग हैं, इनको समझने से कम हमें यह पता होना चाहिए कि जिग का फंक्शन क्या होता है। तो इससे जो पहले वीडियो में डाल चुका हूं, जिग एंड फिक्सर का इंट्रोडक्शन, उनमें डिफरेंस विथ कंपोनेंट, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आज हम लोग सिर्फ जिग के टाइप समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिग का फंक्शन। तो जिग का उपयोग किया जाता है किसी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और जिस टूल से हमें ऑपरेशन करना है उस टूल को गाइड करने के लिए। अब आप लोग कह रहे होंगे मतलब, तो इसका मतलब होता है जब हम किसी ड्रिल मशीन पर किसी कंपोनेंट में होल करना है, छेद करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस वर्कपीस में या कंपोनेंट में होल करना है, छेद करना है, उसको फिक्स कर देते हैं या पकड़ के रखते हैं किसी ना किसी अदर डिवाइस से, जिससे वह वर्कपीस कंपोनेंट इधर उधर ना भागे। तो जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उस कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, जिग बोलते हैं। अब इसके अलावा उस कंपोनेंट में होल करना है किससे करते हैं, हम किसी टूल से करते हैं, तो जो होल है वह एग्जैक्ट साइज का हो, सही जगह हो, तो उसको पोजिशन देने के लिए, टूल को पोजिशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी जिग का उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं जिग का उपयोग हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए हम जिग का उपयोग करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो डिफरेंट टाइप्स के जिग होते हैं उसमें कुछ हम लोग समझेंगे जो सिलेबस में दिए गए। पहला है टेम्पलेट जिग। क्या है टेम्पलेट जिग? टेम्पलेट जिग क्या है, प्लेट टाइप की होती है। क्या होती है, प्लेट टाइप की होती है। जब हमें हैवी कंपोनेंट में कोई ऑपरेशन करना है, मान लो होल करना है, तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट जिग का उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग करते कैसे, यहां पर एक डायग्राम दिया है, इसको आपको एग्जाम में बनाना है, जो मैं समझा रहा हूं वही आपको एग्जाम में लिखना है। इसमें क्या है, नीचे आपको दिखाया, ये क्या है, वर्कपीस है, या कह सकते हैं हम एक कंपोनेंट है जिसमें हमें होल करना है, यहां पर दिखाया गया। इसका ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है, ये यहां पर दिख रहा है इतना, ये क्या है, यहां पर ये साइड व्यू दिखाया गया है, और जस्ट इसके ऊपर यहां पर क्या लगा, टेम्पलेट लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा जिग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, जिग लगा हुआ है। तो हम इस डायग्राम को देख के क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम को हमें एग्जाम में बनाना है, इसी को एक्सप्लेन करना है। जो टेम्पलेट जिग है इसको हमेशा हम कहां पर फिक्स करते हैं, वर्क पीस के ऊपर, किसी कंपोनेंट के ऊपर फिक्स किया जाता है टेम्पलेट जिग को। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पलेट जिग है इसको किसी वर्क पीस के ऊपर फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, पिन का उपयोग नहीं करते, क्लैंप नहीं करते। क्या करते, क्लैंप नहीं करते, किसी पिन का उपयोग नहीं करते। तो ये तीन चार बातें आपको याद रखना है। क्या, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्पलेट जिग को हमेशा वर्क पीस के ऊपर फिक्स किया जाता है, और दूसरी बात इसमें किसी क्लैंप का उपयोग नहीं किया जाता, किसी पिन का उपयोग नहीं किया जाता है, किसको, जो हमारा जिग है इसको फिक्स करने के लिए। तीसरी बात, हैवी कंपोनेंट के लिए हम टेम्पलेट जिग का उपयोग करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको लिखकर आना है, समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टाइप का समझते हैं, नेक्स्ट है प्लेट जिग, है ना। अब जिग आ रहा तो याद रखें फंक्शन सभी जिग का एक ही है, किसी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए। प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग हम लोगों ने अभी समझा था। तो टेम्पलेट जिग में हमने एक क्या देखा था, उसमें हम किसी जिग को होल्ड करने के लिए किसी पिन का उपयोग नहीं करते, फिक्स नहीं करते। यहां पर भी सेम, पहले तो सेम क्या, वर्क पीस जो है उसके जस्ट ऊपर ही क्या लगाया जाता, जिग फिक्स किया जाता है, किसके ऊपर, वर्क पीस के ऊपर। पहली बात सेम है, सिमिलर है, ध्यान में रखना। दूसरी बात सिमिलर क्या है, हैवी कंपोनेंट का उपयोग, हैवी कंपोनेंट पे ऑपरेशन करने के लिए हम प्लेट जिग का भी उपयोग करते हैं। लेकिन प्लेट जिग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जिग है इसको वर्क पीस के ऊपर, क्या है, जिग को वर्क पीस के ऊपर
नट बोल्ट द्वारा क्लैंप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लैंप कर देते हैं, वर्क पीस के ऊपर कस देते हैं, और जहां छेद करना हो वहां पर हम क्या करते हैं, बुस्का उपयोग करते हैं एक्यूरेसी के लिए और फ्रिक्शन से मटेरियल को जो रबिंग होता है उससे बचाने के लिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आई है? टेम्पलेट से थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या अंतर है? इसमें हम लोग नट बोल्ट से क्या करते हैं, जिग को वर्क पीस के ऊपर टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा जहां पर होल करना हो वहां पर हम बुश वगैरह का उपयोग करते हैं, फ्रिक्शन से जो मटेरियल का लॉस होता है उससे बचने के लिए, और जो हमारा होल हो वह एक्यूरेट साइज में हो। इसलिए तो उम्मीद है प्लेट जिग क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम जैसा बना है वैसे आपको बनाकर आना है, और प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि ऐसे हम कैसे याद करेंगे, सर ने सुना दिया, कुछ समझ में भी आ जाता है। तो जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच है, उस पीडीएफ से आप देख सकते हैं कि कैसे हमें लिखना है, या फिर हमारा पूरा पीडीएफ का कोर्स भी है फिफ्थ सेम ऑल सब्जेक्ट का, उसमें भी इसकी पीडीएफ दी गई है, तो वहां से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लीफ जिग। कौन सा है? लीफ जिग। लीफ जिग में क्या होता है, जो हमारी जिग बॉडी होती है, जो यहां पर देख रही है ये कौन सी है, जिग बॉडी है, जिस इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिस कंपोनेंट में हमें होल करना है या कोई ऑपरेशन करना है उसको रख देते हैं, फिर इस कंपोनेंट को हम लोग टाइट करते हैं। उसके लिए हम एक लीफ का उपयोग करते हैं। देख रहे हैं पत्ती टाइप की होती है ये, क्या है ये पूरी जो यहां से और यहां तक ये क्या है, लीफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ है। इस लीफ का उपयोग करते हैं जिससे इस कंपोनेंट को सही से फिक्स किया जा सके, उसको टाइट किया जाता है। इस लीफ का उपयोग कैसे करते हैं, जो कंपोनेंट है उसके ऊपर नट बोल्ट की सहायता, जैसे कि यहां पर देख रहा है नट बोल्ट की सहायता से यहां लेट्स जी लिखा है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं उस कंपोनेंट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। वो कंपोनेंट पे फिक्स करने के बाद जहां पर इस कंपोनेंट में होल करना है, क्या इस कंपोनेंट में जहां पर होल करना है वहां पर हम क्या बुश की सहायता से इस लीफ में क्या बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, कह सकते हैं होल कर देते हैं और उसमें बुश लगा देते हैं, जिसमें जिससे क्या हो, जिस कंपोनेंट में जहां पर होल करना है वहां से सही से जो हमारा क्या, जो हमारी ड्रिल आएगी वह यहां से, मान लो हमने ये बुश लगा दिया, यहां पर होल कर दिया, यहां पर हमें वर्क पीस में क्या करना, छेद करना है, तो यहां से हमारी ड्रिल आएगी, कहां से, यहां से ड्रिल आएगी, वह एग्जैक्ट साइज जहां पर मैंने ये बुश को फिक्स किया, मतलब टूल को गाइड करेगा ये बुश कि आपको यहां से बुश आएगा और यहां हमारा एग्जैक्ट होल्ड करेगा। तो इस तरह इसमें गाइड करने के लिए हम पहल से बुश लगा देते हैं, पहल से जगह बना देते हैं इस लीफ के अंदर, और लीफ का उपयोग से क्या होता है, कंपोनेंट को टाइट भी कर देते हैं नट बोल्ट से, जिससे हुआ है हिलता डुलता नहीं है। तो ये इसके लीफ के फायदे होते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स जिग। कौन सा है? बॉक्स जिग। बॉक्स जैसा नाम है, मतलब एक बॉक्स टाइप का रहता है, चारों तरफ से हम क्या कर सकते हैं इसमें कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये देख रहा है यहां पर एक वर्क पीस है, हमने क्या किया ऊपर लीफ लगा दिए और चारों तरफ ये लेग्स टाइप की लगा के हमने क्या किया, पूरा एक बॉक्स टाइप के बनाकर इसको फिक्स कर दिया। लेकिन बॉक्स टाइप का बनाते हैं, लेकिन इस तरह बनाया जाता है कि जो कंपोनेंट है उसमें ऊपर से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहा है वन साइड से वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अदर साइड से भी इसमें ऑपरेशन किए जा सके। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है ये हमारा कंपोनेंट है, ऊपर से यहां पर मैंने बुश लगा दिया, मतलब यहां से हमारी ड्रिल आ सकती है, तो इस पे यहां पर क्या कर सकती है, होल कर सकती है। लेकिन हम चाहते हैं साइड में भी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बॉक्स टाइप का बनाया है तो इधर से भी हम क्या करते हैं, जो पत्ती लगा के बुश बना देते हैं, जिससे कि हम साइड में भी अगर हमें होल करना है तो इसको बार बार बदल कर हम क्या साइड में भी होल कर सकें, हमें इसको बाहर बार बार ना निकालना पड़े, ना ही वर्क पीस की पोजिशन को चेंज करना पड़े। मतलब क्या, अगर हमें मान लो एक ही जगह फिक्स बुश लगाएंगे तो हमें इस वर्क पीस घुमा के हमें यहां लाना पड़ेगा, तभी हम होल कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये फायदा रहता है, बॉक्स बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह इसको डिजाइन करते हैं कि बुश की हम जगह देते हैं साइड में भी, कि साइड में भी हमें होल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, साइड से भी इसको बिना पोजीशन चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, इसमें होल कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जिग के फायदे होते हैं। तो उम्मीद है बॉक्स जिग क्या होता है समझ गए होंगे। बॉक्स जिग में क्या होता है, कंपोनेंट को एक बॉक्स टाइप का पूरा बना के फिक्स कर देते हैं, जो इसमें लीप का उपयोग करते हैं उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो कंपोनेंट उसको क्लैंप कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, फिर जो लीप रहती है उसमें हम टूल को गाइड करने के लिए बुश बना देते हैं, जिससे जिस जगह बुश लगाए हैं वहां से टूल जाके अंदर हमारे कंपोनेंट पे क्या होल कर सके या कोई ऑपरेशन कर सके, और एक ही पोजिशन में वर्क पीस को रख के हम
जो भी अलग अलग साइड में ऑपरेशन करना चाहते हो वह भी कर सकें। तो बॉक्स जिग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग जिग। जिग कौन सा है? इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग का उपयोग हम लोग जब करते हैं, जब हमें किसी कंपोनेंट पे अलग अलग एंगल पर, क्या अलग अलग एंगल पर हमें कोई ऑपरेशन करना हो या फिर होल करना हो। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारी क्या रोटेटिंग डायरेक्शन रहती, मतलब इसको हम घुमा घुमा कर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये हमने बुश वगैरह लगा दिए, मतलब जो हमारा टूल है उसको गाइड करने के लिए। अब हमें क्या करना, मान लो यहाँ पर हमने ये इधर साइड में दिखाया है, ये क्या लगा पार्ट, मतलब कंपोनेंट है, इसमें हमें अलग अलग जगह क्या करना, होल करना है। तो जैसे गियर वगैरह में आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे होल होते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, उस जो ये हमारे क्या है बुश फिक्स है, यहाँ से हमारा टूल आएगा तो ये तो फिक्स है, तो हम इसको जो हमारा कंपोनेंट है उसको घुमा घुमा के अलग अलग एंगल पर क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग जगह क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो ये इंडेक्सिंग जिग समझ में आ गया होगा। इंडेक्सिंग जिग का उपयोग करते हैं हम कब, जब किसी कंपोनेंट में अलग अलग एंगल पर हमें कोई ऑपरेशन करना हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल जिग। यूनिवर्सल जिग सैंडविच जिग के समान ही होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यहां पर लिख दिया है। लेकिन यूनिवर्सल जिग आपका लिखा हुआ है आपके जो एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना है, क्योंकि पेपर में इसलिए यूनिवर्सल जिग पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में यूनिवर्सल जिग का नाम लिखा हुआ है। ध्यान दें आप लोग इसके अलावा कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दो टाइप से पूछे जाएंगे, एक तो डायरेक्ट लिखाएगा कि टाइप्स ऑफ जिग समझाइए, या फिर इतने जो जिग आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं नाम लिखे हैं उनमें से किसी पर भी शॉर्ट नोट पूछ सकता है, या फिर क्लियर एक का नाम लिखाएगा उसको एक्सप्लेन करिए विथ डायग्राम। तो सभी में डायग्राम समझाए, उन डायग्राम को आप अच्छे से तैयार कर लें। और यदि आप हमारा एवी क्लासेस यूट्यूब पर चैनल देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्टों का मैं मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कराता हूं, उससे आपका फायदा होगा और नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कि कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है, कौन से टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर यूनिवर्सल जिग की बात कर रहा हूं, सभी में जिग का वही सेम ऑपरेशन है, आप लोग सभी समझते हैं कि हमें क्या करना है, वर्क पीस को या कंपोनेंट को होल्ड करना है और टूल को, टूल की मदद करना है गाइड करने के लिए, जिससे वह ऑपरेशन कंप्लीट हो सके। यूनिवर्सल जिग में होता क्या है, यूनिवर्सल जिग में हम लोग अगर जैसे मान लो पार्ट है किसी कंपोनेंट पर कोई ऑपरेशन करना है, तो इसमें क्या करते हैं, वैसे ही प्लेट का यूज करते हैं और वैसे ही ये ड्रिल यहां पर बनी, क्या बनी ड्रिल, जिसको गाइड करने के लिए हम इस पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या रहता है, हम हैंड क्या करते हैं, लीवर लगा देते हैं, लीवर मतलब हैंडल लगा रहता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लेट है इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हटा सकते हैं और ये जो यहाँ पर पार्ट लगा हुआ है या कंपोनेंट है वर्क पीस है, इसको हटा के फिर दूसरा यहाँ पर वर्क पीस हम सेट कर सकते हैं और फिर से हम लीवर की सहायता से इसको ऊपर रख के फिर से हम टूल को गाइड करके उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल जिग में ये फायदा रहता है कि हम एक एक कंपोनेंट्स, याद रखें एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट्स में हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं इस लीवर की सहायता से, बार बार इस प्लेट को ऊपर करके फिर वर्क पीस को हटाकर फिर वर्क पीस रखकर प्लेट को नीचे लाके फिर से जो ड्रिल लगी उसको ऑपरेशन करेगी, फिर ऑपरेशन होने के बाद इसको हम लीवर की सहायता से ऊपर हटा सकते हैं फिर से इस तरह। इसके अलावा जो हमारे सैंडविच जिग लिखे हुए यहाँ पर आपको सब लिखा हुआ है, ये जो कंपोनेंट है इसमें जो यहाँ पर आपको लगे हुए हैं ये सब क्या दिखाया है, यहाँ लगा लोकेटिंग पिंस, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो वर्क पीस है उसको हम लोकेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं, तो जिससे क्या है ये वर्क पीस जो रखा हुआ है इधर उधर हिले डुले नहीं और हमारी एक्यूरेसी के साथ क्या हो हमारा होल हो सके। तो इसको क्लैंप करने की भी इसमें सुविधा होती है, लोकेट पिन को लोकेट करने की भी क्या रहती फैसिलिटी होती है, तो पिन से हम क्या कर सकते हैं लोकेट भी कर सकते हैं, जिससे उसकी किसकी वर्क पीस की या कंपोनेंट की पोजीशन सही रहे, इसलिए इसके लोकेटिंग पिन का इसमें उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है यूनिवर्सल जिग क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाइस जिग। क्या है वाइस जिग? बेंच वाइस आप लोगों ने देखी होंगी कहीं वर्क पीस वगैरह में, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके डिजाइन किया गया वाइस जिग। इसमें शाफ्ट वगैरह रहती है उस पर ऑपरेशन करने के लिए वाइस जिग का सबसे ज्यादा उपयोग किया था। किसका? वाइस जिग का। इसका उपयोग बहुत कम यूज किया था। इसमें जबड़े टाइप के रहते हैं, जबड़े आप समझते हो जो जो शाफ्ट को फिक्स कर देते हैं, जैसे हैंडल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आगे पीछे हिला डुला सकते हैं, आगे पीछे करके क्या बीच में जो हमारा फिक्स होगी यहाँ पर शाफ्ट उसको फिक्स करने के लिए जगह स्पेस बन जाता है,
फिर शाफ्ट को रख के फिर हम हैंडल की सहायता से इसको टाइट कर देते हैं, जिससे हमारी शाफ्ट क्या होती है वहां पर टाइट हो जाती है, फिर हम जो टूल्स की सहायता से उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तरह वाइस जिग का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैनल जिग। चैनल जिग बॉक्स जिग की तरह होता है, पहले याद रखें क्या, बॉक्स जिग की तरह होता है, चारों तरफ से इसको भी बंद किया जाता है, लेकिन इसमें एक साइड जो हमारा कंपोनेंट है वर्कपीस रखा है वहां पर हम लीप का उपयोग करते हैं, जिससे हम इस कंपोनेंट को लोड और अनलोड कर सकें। क्या कर सकते हैं, एक साइड जैसे मान लो इस साइड है यहाँ पर कंपोनेंट रखा है, तो कंपोनेंट को लोड और अनलोड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस लीप का उपयोग करते हैं, जिससे इसको बड़े आसानी से निकाल सकें और उसको फिर से लोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये हमारा कंपोनेंट होता है इसको दो तरफ से हम इसको क्लैंप कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक साइड ये हो गया, अब मान लो एक साइड हम ऊपर से होल्ड कर सकते हैं या फिर दोनों साइडों से इसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब इसमें हम चैनल जिग में दो साइड से हम क्या कर सकते हैं, जो कंपोनेंट है उसको होल्ड करते हैं, इसलिए सिर्फ वन साइड से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, अगर दो साइड से हमने होल्ड किया तो ऊपर हमने पुश लगा के हम क्या कर रहे हैं इस कंपोनेंट में, यहां पर ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। यह बुश क्या करेगा, गाइड करेगा टूल को, जो ऊपर से टूल आएगा इसमें से इस कंपोनेंट पे होल्ड करेगा। कुछ बात हमें याद रखना, पहला तो चैनल जिग बॉक्स जिग की तरह होता है, चारों तरफ से बंद ये भी रहता है, लेकिन इसमें एक साइड से जो हमारा कंपोनेंट है उसको लोड और अनलोड करने के लिए हम लीप का उपयोग करते हैं। चैनल जिग में कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए हम दो साइड का उपयोग करते हैं, कितनी, दो साइड का उपयोग करते हैं, और एक साइड से हम क्या करते हैं इसमें ऑपरेशन करते हैं टूल के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको लिखनी थी। इसके अलावा पीडीएफ में सब कुछ दिया है, जो सिलेबस में थे वो मैंने शायद सब समझा दिए हैं, सभी टाइप के जिग। बकाया आप पीडीएफ को अच्छे से स्टडी करें, और कुछ भी एक भी आपको जिग समझ में नहीं आते तो वीडियो को देख लिया करें बीच बीच में, तो वो जो थ्योरी लिखी है वह आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।